वर्ल्ड कप 2011 के लिए चुन ली गई है टीम इंडिया। मिशन वर्ल्ड कप के लिए तय कर लिए गए हैं 15 सूरमाओं के नाम। सोमवार को सिलेक्टर्स ने चेन्नई में हुई बैठक में आखिरकार वो 15 नाम चुन ही लिए जिन पर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर गड़ी हुई थी। ये हैं वो 15 नाम जिन पर मिशन वर्ल्ड कप का दारोमदार रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, युवराज सिंह, विराट कोहली, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार, मुनाफ पटेल और आर अश्विन, ये वह 15 खिलाड़ी हैं जिन पर 1983 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप भारत की झोली में डालने का सपना पूरा करने का जिम्मा है। सोमवार को चेन्नई में वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान करने के बाद मुख्य चयनकर्ता श्रीकांत बेहद खुश नजर आए। शॉट ओवर We have discussed with the captain, the coach, the two of our selectors have been sitting on other side in South Africa, and we had a thorough discussion on what will be the best combination that could win us the World Cup. The wicket conditions, the opposition we are playing, and what kind of wickets that provide that will be probably happening in India. So taking all this into account, I think we have selected a very well balanced team, because don't forget, when you play in India, the spinners will probably play a very major role. भारत की धरती पर क्रिकेट का महासमर होने जा रहा है जिसके लिए टीम इंडिया तैयार हो चुकी है। एक बार फिर देखिए इस टीम को जो धोनी की अगुवाई में विश्व क्रिकेट से भिड़ने को तैयार है। वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में श्रीशंत और रोहित शर्मा का नाम ना होना चौंकाने वाली बात है। वहीं पीयूष चावला और आर अश्विन का नाम शामिल किया जाना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। फिलहाल जो भी हो, साउथ अफ्रीका दौरे में अपनी ताकत का मुजाहरा करने वाली टीम इंडिया से देश के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी उम्मीदें हैं कि 1983 की तरह 2011 में भी भारत का परचम विश्व क्रिकेट में लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज़।